खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। हाय गाइस, दिस इज अंशुमन मल्होत्रा, प्रीत कमानी, सिमरन शर्मा, तुषार पांडे और आज हम यहां पर आए हैं हमारी फिल्म हम चार के बारे में बात करने और हमारे बारे में बात करने, हमारे कैरेक्टर्स के बारे में बात करने और हमने इस पूरे प्रोसेस में फिल्म को शूट करते टाइम कितने मजे किए, क्या क्या सीखा, क्या क्या नहीं सीखा, उस सब के बारे में बात करने। तो हम शुरू करेंगे हमारी फिल्म की जो हीरो हैं उनसे। सिमरन शर्मा, बताइए कैसे मिली आपको ये फिल्म और कैसा रहा आपका ये सफर इन तीन महान कलाकारों के साथ काम करते हुए? सफर किया तो फिल्म मुझे ऐसे मिली कि मैंने ऑडिशन किया, मुझे राजश्री के ऑफिस से कॉल आया कि एक ऑडिशन चल रहा है, पाकर दे दीजिए। मैंने ऑडिशन दिया, उन्हें मेरा ऑडिशन पसंद आया। फाइनली मैंने एक्चुअली पहली बार में नहीं आया, दो तीन बार ऑडिशन दिया, उन्हें फाइनली लगा कि मैं मंजरी प्ले कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया और वहाँ से हम चार की ये जर्नी शुरू हुई। फिर मैं इन लोगों से मिली और अच्छे लोग हैं, जिंदगी सफल हो गई आपकी हमसे, सफल हो गई एकदम। ये तो बड़ी आसानी से हो गया यार, ये जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स है ना जो बॉम्बे आ रहे हैं रोज, वो जब न्यूज देखेंगे वो बोलेंगे यार हम लोग भी रोज जा रहे हैं ऑडिशन पे, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये ऐसे कह दिया तो आसान लगा ना, लेकिन उसके पहले कितने सारे ऑडिशंस दिए। बिल्कुल यार, बचपन से काम कर रहे हो तुम, कितने साल की उम्र से? 10 साल की उम्र से। बस आप सुबह कब से कर रहे हैं? 8 साल की उम्र। शक्तिमान बॉय, इनको आपने पहली बार देखा होगा शक्तिमान में? जी, तो मैं सॉरी शक्तिमान कहता हुआ भी पाया गया हूँ और सेंट फ्रेश बेचते हुए भी पाया गया हूँ, बॉर्नविटा बेचते हुए पाया गया हूँ और कैडबरी बेचते हुए पाया गया हूँ। सेल्समैन है हमारे ये। एंड सो एड फिल्म से मैंने अपनी शुरुआत की थी, रिपोर्टर अंशुमन जी, और आई लव योर शो अंशुमन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई मीन इट्स वेरी डिफरेंट, आई नो, आप जिस तरह से सवाल पूछते हो, जिस तरह से लोगों से बात करते हो और पूछने के बाद पूछने लायक छोड़ते नहीं हो किसी को, तो आई रियली लाइक दैट अबाउट यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप ये बताइए कि आपको ये फिल्म कैसे मिली और बस, मतलब मैंने सुना है आपका आपका सपना था ये, पता नहीं, मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस इस पे जरा जूम करे, प्लीज, आई मीन ऑडियंस कैसे जूम करेगी, आप जूम करें और ऑडियंस देखे कि ये जो पोस्टर है इतना प्यारा लग रहा है, ये सपना था हमारा यहाँ पर आना। राजश्री प्रोडक्शन का जो आइकॉनिक लोगो है उस लोगो के नीचे हमारी फिल्म का टाइटल एंड उसमें हमने जो डेब्यू किया है, नमित जो है वो उसका ऐसा है कि उसको पहला प्यार हर बार हो जाता है, तो स्लो मोशन में हवाएं चलती है, फिल्मी है थोड़ा सा वो भी आपकी तरह, बिल्कुल मेरी तरह। तो मतलब आप ही के लिए लिखा गया था ये कैरेक्टर? इनफैक्ट मुझे ये किरदार इसलिए शायद मिला क्योंकि जब मैंने ऑडिशन दिया तो मैं इतना फिल्मी था, उस घुस चुका था उस फीलिंग में कि मुझे एक्चुअली लग रहे थे कि पीछे वायलिन बज रहे और नहीं बज रहे थे जैसे कि हमें पता है, बट हो रहा था ऐसा सब मेरे साथ। क्या एक थोड़ा सवाल इनके लिए कि आप कौन सा गाना सोच रहे थे अपना ऑडिशन देने से पहले? चन्ना मेरे यार। ओह, और इसके पीछे कहानी भी है क्योंकि ऐसा एक सीन था जिसमें मैं थोड़ा दुखी हूँ, तो उसकी प्रेप करने के लिए मैं अपने आप की बैकग्राउंड में तो म्यूजिक बज नहीं रहा था जी, तो मुझे अपने आप गाना था जी, क्या ताकि मुझे फील आए कि बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है जी, तो उसके लिए मैं गया बाथरूम में और मैं बाथरूम में गाना गाना शुरू कर दिया। क्या बात। अब दिक्कत ये थी कि बाथरूम से जो ऑडिशन रूम है वहाँ पे आवाज सुनाई देती है, तो जब मैं गाना गा रहा था किसी और का ऑडिशन खराब हो रहा था, तो वो आया मुझे बाथरूम में ढूंढते ढूंढते कि कौन है ये जो गाना गा रहा है, तो जैसे उसने खटखटाया असिस्टेंट डायरेक्टर ने कि कौन है यहाँ पे बाथरूम में, कौन गा रहा है, मैं बाहर आके मैंने कहा कि मैं हूँ, और उसे लगा कि हमें हमारा नमित मिल गया और फिर मुझे ऑडिशन स्क्रिप्ट दी गई और फिर बेचारे दूसरे एक आर्टिस्ट का ऑडिशन खराब करके इन्होंने अपनी यहाँ पर जिंदगी बना ली है और इन्होंने ये फिल्म बैक कर ली है। वेरी प्राउड ऑफ यू प्रीत। अब आप इतना अच्छा गाते ही हैं जब, तो क्यों नहीं हमारा आपकी आपकी ये जो हमारी फिल्म है हम चार, इसका इसके दो मतलब इतने प्यारे प्यारे गाने हैं, पर दो लव्स, हाँ बिल्कुल, आपकी अभी नया गाना हमने सुना है मनमीत मेरे करके आया है मोहित चौहान की आवाज में, जरा हम चाहेंगे आप ये, एक्चुअली हम चारों का फेवरेट सॉन्ग है क्योंकि ये दोस्ती के ऊपर है जी, सो इसके बोल कुछ ऐसे है। मैं जब भी देखू आगे ना देखू कुछ तेरे आगे, मैं जब भी सोचू आगे ना सोचू कुछ तेरे आगे, अब जो बात आके बड़ी है जो राहों से राहें जुड़ी है, मन मीत मेरे
मन मीत मेरे। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए एक बार प्रीत कमानी के लिए। बहुत बढ़िया, कार्तिक आर्यन के लुक लाइक। अब आते हैं हम तुषार पांडे जी पे। जी सर, आपका और आपके कैरेक्टर का जो सरनेम है वो सेम टू सेम है। बिल्कुल। आप और आपके कैरेक्टर कितने सेम टू सेम है ये बताइए। देखिए, हमने सोचा कि कुछ ना कुछ तो सेम होना ही चाहिए, तो नाम ही डाल दें सिमिलर। तो ये डिसाइड हुआ कि इस कैरेक्टर सेम हो नहीं पा रहा है तो पांडे डाल दिया जाए, तो कैरेक्टर का नाम जुड़ गया सूरजो पांडे। तो जी, हमारा किरदार जो है वो यूपी के एक छोटे गांव से है और वो उसकी एस्पिरेशन है कि विदेश में पढ़ाई करना और वहीं विदेश में बस जाना, और उसको जिंदगी में अपने गाँव वापस आने का कोई शौक नहीं है। वो पढ़ने जाता है मेडिकल कॉलेज, इन तीन होनहार स्टूडेंट जिनमें से पढ़ने का कोई शौक नहीं रखते, ये इतने शरीफ है कि इनको कुछ दिखता नहीं है, और हाँ, और ये इनको हर चीज से दिक्कत है, खड़ूस। तो ऐसे लोगों के साथ जब मिले तो उनकी लाइफ कहाँ रुख ले गई वो आपको 15 तारीख को दिखेगा, और आगे बहुत कुछ होता है फिल्म में तो वो तो आपको 15 तारीख को डालेगा। और थोड़ी देर के लिए अब मैं होस्ट बनता हूँ, बिकॉज एक चौथे भी हमारे साथ कैरेक्टर इंसान है जो यहाँ खड़े हैं। बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ ये और इधर तो ये भी एक किरदार है हमारी फिल्म में, जिनका नाम है अबीर खान, मथुरा दास अबीर खान। शक्ल आप इनकी देख सकते हैं, पिक्चर में बहुत सारे नामों से इनको बुलाया गया है जो शायद एडिट हो गए, लेकिन अब हम पेश करते हैं अबीर खान। दिखने में बिल्कुल अपने कैरेक्टर जैसे पर हरकतों में उल्टे, ठग्गू के लड्डू। किरदार इनका है शरीफ, असल में है ये सुनते हैं इनके किरदार के बारे में इन्हीं की जुबानी, लेकिन 2-3 लाइनों में। जी जी बिल्कुल, जल्दी सुनाऊंगा, आप लोगों का वक्त जाया नहीं करूंगा। तो मैं जब राजश्री के ऑफिस मुझे बुलाया गया ऑडिशन के लिए, तो पहले मुझे एक दो बार लगा कि यार वो हीरो के लिए बुला रहे हैं तो कोई बड़ा चाहिए होगा। अब मेरी तो दाढ़ी वाड़ी भी नहीं आती, कुछ नहीं, छोटा बच्चा हूं मैं। मैंने कहा यार नहीं, कोई गलती से फोन कर दिया होगा, आयुष्मान को कर रहे होंगे, अंशुमन को कर दिया होगा। तो मैंने 2-3 बार तो नहीं गया ही नहीं मैं। फिर मैंने कहा यार अब इतना फोन कर रहे हैं तो नहीं नहीं गलती तो नहीं होगी, मैं आ जाता हूं। आया मैं, मुझे स्क्रिप्ट दी गई, बोला गया ये जो कैरेक्टर है ना हमारी फिल्म में, ये है कानपुर का। एक बिजली चप आंधी मन में लड्डू फूटा, ठग्गू के लड्डू फूटे मेरे मन में, ठग्गू के लड्डू। मैंने कहा ये पिक्चर मेरे लिए बनी है, ये कैरेक्टर मेरे लिए बना है। मैं गया, मैंने स्क्रिप्ट याद करी, उन्होंने बोला आइए सर एक ऑडिशन करते। मैंने ऑडिशन में गया और मैंने अपनी लाइंस बस बोल दी, और मैं जब लाइंस बोल रहा था ना तो कैमरे के पीछे जो लोग ऑडिशन ले रहे थे वो एकदम शॉक में जा रहे थे कि ये क्या हो गया, ये ऐसा टेक तो हमने कभी देखा ही नहीं, मतलब इतना नेचुरल और बस डायलेक्ट तो एकदम सेम टू सेम। उसके बाद मेरी नेक्स्ट मीटिंग डायरेक्टर सर के साथ हुई, सर ने जिनको इन्होंने पहचाना नहीं, इनकी अगली मीटिंग डायरेक्टर सर के साथ थी, ये मिले इनको लगा प्रोडक्शन हुई है। तो अब इनको देखिए, एक डायरेक्टर से मिल रहे हैं, सोच के कि कोई प्रोडक्शन के होंगे इनसे बात बात करने के लिए। वहां डायरेक्टर साहब भी ऐसे कि वो बोले नहीं कि मैं डायरेक्टर हूं, वो भी बोले अंशुमन कैसे हो, क्या कर रहे हो। इनका ऐसा डायरेक्टर ऐसे सवाल तक कभी पूछता ही नहीं है। अरे उनके सवाल ही ऐसे थे, अच्छा क्या क्या काम किया है तो, और क्या लाइफ में आगे प्लान क्या कर रहे हो करने का, और ये। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो अभी बजट विजट क्या पूछेंगे और मतलब है। पर बाद में मुझे पता चला कि वो डायरेक्टर सर है और वो लखनऊ के हैं, तो यूपी यूपी मिल गया। और हमने ये डिसाइड कर लिया कि यूपी को इतना प्राउड कराना है, इतना प्राउड कराना है। फिर अब मेरा कैरेक्टर जो है अबीर खान का, वो इस दुनिया का सबसे सरल आदमी है, मतलब जिस गाय जैसे लोग होते हैं ना, मतलब सीधे साधे अपने काम से लेना। इतना पूरी फिल्म में बोला होगा जितना वो अभी बोल दिया। हाँ, तो और अपने दोस्तों से लेना देना है, अपनी फैमिली से लेना देना है, और लड़कियों की तरफ आंख उठा के नहीं देखता हूं। मतलब लड़कियों को देखता भी नहीं है कि मतलब उसको नहीं प्रॉब्लम नहीं है कैरेक्टर को कोई। हाँ नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं वैसा नहीं, पर उसको ये कि अम्मी अब्बू जब बड़ा हो जाऊंगा तो बता देंगे कि हाँ इनसे शादी करनी है, इनसे निकाह करना है, कर लेंगे। तो ये जो है ना, ये इतने ज्यादा परफेक्शनिस्ट हैं कि इनको बोलो कि शॉर्ट, हाँ देख लीजिए। तो इनको इनका है कि इनके दिमाग में जैसे बन गया है कि भाई मेरे को ऐसे आना है सेट पे और मेरा ये टेम्परमेंट होना पड़ेगा और मेरे बाल ऐसे होने होंगे। आप और कुछ चीज कर दीजिए, इनके बाल अगर ऐसे हो गए तो वो शॉर्ट ही नहीं होंगे। ये इंसान खाना खाने के बाद, लंच ब्रेक के बाद शॉट में जाने से पहले ब्रश करता है, हर शॉट से पहले ब्रश करता है। मैंने देखा जिस दिन पहले दिन, मैंने कहा यार प्रीत तू ठीक है, क्या कर रहा है यार, तेरे दांत साफ है, ब्रश क्या कर रहा है। मुझे लगता है कि मेरी मुस्कुराहट इतनी जरूरी है इस फिल्म के लिए, और तो और यार मुस्कुराना कितना खूबसूरत होता है। अब उसमें कहीं बीच में एक ब्रोकली दिख जाए ऐसे गाजर हो तो अच्छा। मैं बताता हूँ, मेरे बारे में बता दो, निपट जाएगा जल्दी है ना, फटाफट निपट जाएगा। इनके बारे में एक्चुअली कहाँ से शुरू करूँ ये कंफ्यूजन है, क्योंकि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इनकी जो हरकत यहाँ पर है तो असल जीवन में कैसी हरकत होगी।
तो मैं ऐसा ही हूँ इनके बारे में एक थोड़ी सी गॉसिप कि जब हम शारदा यूनिवर्सिटी में शूट कर रहे थे तो ये शाम को अगर निकल गए तो इनके इतने चाहने वाले लड़कियां कि इनको बस एक चक्कर काटना होता है शारदा यूनिवर्सिटी को और भीड़ जम जाती है, तो इनको बड़ा संभाल के रखा जाता था कि भैया तुम ऐसे मत निकलना वरना शूटिंग रुक जाएगी। 8 दिन मेरी लाइफ के इतने क्रूशियल डेज थे क्योंकि मुझे स्ट्रिक्टली बोला गया था कि अंशुमन क्योंकि ये कैरेक्टर लड़कियों से दूर रहता है आप लड़कियों के करीब नहीं जा सकते। 60 दिन आप सोचिए मैं लड़कियों की तरफ आंख उठा के नहीं देखी है, ये मेरा हार्डवर्क गया है इस पिक्चर में। तो प्लीज देखिए जितने भी लोग दिल से प्यार करते हैं 60 दिन आप किसी लड़की की तरफ अगर आंख उठा के भी नहीं देखा आपने अपने किसी चाहने वाले की तरफ आप वो देखिए आप प्लीज हम चार देखने जाइए 15 फरवरी को। ये बहुत छुपे रुस्तम है, पहली बार जब मैं मिला था तो ये मुझे लगा ये आदमी जो है ना सिर्फ टैलेंटेड से भरपूर है, वो तो वो है पर जैसे जैसे हमने साथ में समय बिताना शुरू किया ना और आई थिंक इसका क्रेडिट मुझे भी बहुत जाता है क्योंकि मैंने इनके अंदर का ना वो लौंडा बाहर निकाला है वापस जो खो गया था कहीं नहीं मतलब अरे यार मतलब इनके अंदर का लड़का है यार जो जवान लड़का जो खो गया था यार, ये जो 60 दिन इसने तपस्या की है उसके बाद ये लौंडे बाहर निकालते हैं अब जो है ये बदल चुके हैं, ये शक्ल देखिए अच्छा इन्हीं की दे दो कोई गॉसिप ये नहीं देंगे पापा यही लड़की है, कोई गॉसिप नहीं करती है, इनके गॉसिप करना पसंद नहीं है, अभी हॉट नॉट पे तुमने गॉसिप हां ना बताता, ये गॉसिप करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। आई कैन टेल यू अबाउट प्रैंक्स दैट हैपेंड ऑन सेट जो अगर क्योंकि वो एज समथिंग इंटरेस्टिंग, तो हमारे जो डायरेक्टर है वो वैसे काफी यू नो सीरियस कंपोज्ड रहते हैं, दिस वन टाइम उन्होंने डिसाइड किया कि वो कि वो प्रैंक करेंगे हमें, तो वो हम अब आप राष्ट्रीय क्यों रहे तो हम लोगों को हवा देना भी वो ब्लोअर चलते रहना चाहिए ना, आप बोलिए बोलिए तो एक सीरियस सीन की शूट चल रही थी, हम शूट के बी स्टॉप यू सो डिस्ट्रैक्टिंग स्टॉप इट कैमरे पे देखा ऐसे फंसता हूँ मैं, मैंने किया स्टॉप इट सब देख रहे हैं कि कौन क्या है तो शूट चल रही है और एक्शन हुआ, सबने अपना अपना काम किया, कट हुआ, डायरेक्टर पीछे से चिल्लाते हुए आए कि क्या है, हर किसी पे वो चिल्लाते नहीं है सेट पे, पहली बार उन्होंने सेट पर चिल्लाया और कहा ये क्या हो रहा है, ये सब एक्टर्स क्या कर रहे हैं, किसी को अपना काम नहीं आता, डीओपी ने क्या किया, और सब बहुत ज्यादा डर गए क्योंकि वो नहीं चिल्लाते हैं सेट पे, प्यार से बात करते हैं सबसे, तो वो पीछे घूम के दूसरी तरफ से आए और कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था, ओके टेक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो आई थिंक ये एक फन चीज थी जो सेट पर बहुत बहुत फन थी और जिस तरह से आपने बताया वो तो और भी ज्यादा फन था, बहुत फन आया, फन इज कमिंग। तो जैसा कि आपने देखा हम सब पागल है लेकिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमारी फिल्म भी इसी बारे में है कि फ्रेंड्स भी फैमिली है, क्योंकि आज तक हम फैमिली को अपनी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं लेकिन सच ये भी है कि हमारे दोस्त भी हमारा उतना ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो जरूर देखिएगा हम चार 15 फरवरी को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में, प्लीज थैंक यू सो मच। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।